तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो आ गया हूँ भाई मैं एक और गेम प्ले लेके, जिसमें आज हम भाई जेसीबी चलाना सीखने वाले हैं, क्योंकि न्यू अपडेट आ गया। मैं खेलने में लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी गेम लेके आ चुका हूँ। स्वराज के पीछे अपने ट्रॉली डाल दिए, क्योंकि भाई इसका बैकअप टॉर्क मैंने आपको बता ही रखा हुआ कि कितना कमाल का है। तो भाई फील्ड में पड़े हुए हैं पत्थर, तो वो पत्थर हमको जेसीबी से उठा के इस ट्रॉली में डालने हैं और दूसरी जगह पर उसको उलद के आना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं अपनी साइड पे जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं और जेसीबी भी है। ठीक है, ओके भाई, टाटा गाइस, मिलते हैं साइड पे। तो मेरे सज्जन मित्रों, ब्रेकर लग चुकी हैं बहुत ही तगड़े तरीके के, और अपनी जेसीबी भी यहीं पे है और अपना पत्थर भी यहीं पे है। लेकिन दिक्कत तो इसमें ये आने वाली है, क्योंकि जेसीबी अपनी भाई और ये पत्थर अपने उतने रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए इसको उड़ाने में और यहाँ से ट्रैक्टर निकालने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो स्वराज को तो भाई यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कोई अच्छी तरीके से जगह से पार्क करना, बैक करके लगाता हूँ ना, ताकि जिससे पत्थर डालना इसमें थोड़ा आसान हो जाए। भाई आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि किन किन को गाड़ी, सॉरी ट्रॉली, ट्रैक्टर से बैक करने आती है, और एक ही बार में वो जिस तरीके का टारगेट दिया होगा उस तरीके से वो ट्रॉली बैक लगा सकता है। ठीक है, तो बताना मेरे को फटाफट। मैं अपनी जेसीबी लेके चलता हूँ भाई, और पत्थर सीटता हूँ इसके बीच में, ताकि हम अपना चैलेंज जो है वो स्टार्ट कर सकें। बहुत ही टफ चैलेंज होने वाला है, पहले मैं इसके अगले खोचे से ट्राई करूँगा, देखते हैं अगले खोचे से ट्राई होगा तो मज़ा आ जाएगा। चल, हाँ चल पड़ी है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ, इसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन आप स्क्रीन पे फंक्शन देख सकते हो भाई, फंक्शन ही फंक्शन है। और मैंने आज तक कभी जेसीबी चलाई भी नहीं है, क्योंकि इसमें चलती नहीं है, है ना। तो एक पत्थर तो भाई मैंने इसमें सीट लिया, और अभी ये देखो, मैंने आपको कहा था ना कि इतना रियलिस्टिक नहीं होने वाला, इसलिए पत्थर खुद ब खुद ही बाहर आ रहा है और खुद ब खुद रोटेट भी कर रहा है। और अभी मेरे को इसको ट्रॉले में डालना है। अरे शिट यार, यही चीज़ की मैं बात कर रहा था आपको, क्योंकि जेसीबी के टायर के नीचे पत्थर आया और जेसीबी पूरी ही उछल रही है। और भाई यहाँ पे रियलिस्टिक आ गया, जेसीबी उछली और पत्थर सीधा बागड़ से निकल के बाहर हैं, लेकिन जेसीबी टायर के नीचे पत्थर आने से जेसीबी एक साइड से उठ गई, ये मानने में बात नहीं आ रही भाई। अच्छा फ़िलहाल छोड़ो, कहीं कहीं गेम रियलिस्टिक है और कहीं कहीं में पता नहीं भाई क्या हो रखा है। अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, और मेरे ट्राई करने के चक्कर में भाई मैं ट्रॉली ना पलट दूँ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा मेरे को। पीछे वाली से भी ट्राई करेंगे, पहले मैं देख रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि पीछे वाली बागड़ थोड़ी छोटी होती है ना और पत्थर काफ़ी पड़े हैं यार, तो पीछे वाली में आएंगे नहीं, तो मेरे को आगे वाली से ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन इसमें यार पावर भी कम है, ये देखो आगे जा ही नहीं पा रही, और जैसे ही मैं बागड़ को ऊपर चुकता हूँ, लिफ्ट करता हूँ, तो भाई पत्थर इसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं। ये देखो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या सीन हो रहा है यार। अगर अपडेट देना भाई तो अच्छा दो ना यार, ऐसे सिर्फ दिमाग का दही करने वाली बात हो रही है। अभी दूसरी साइड से चलता हूँ, उधर वाली साइड पे कोई पत्थर नहीं है ना, टायर के नीचे आएगा कुछ नहीं। स्कीमी तो भाई बहुत हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, हम देसी आदमी है भाई, जुगाड़ लगा ही लेते हैं। और अभी थोड़ा सा आगे चल के ना, पहले बागड़ू पर उठाते हैं और इसमें उड़ा देते हैं भाई। और मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि एक तो चली जाएगा इसमें, है ना। अरे पत्थर निकल बाहर, अबे निकल जा, मैं ट्रॉली एक ही गिरा भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी, कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका ऐसे तो। हाँ भाई इसका फेस भी खुल जाता है ना, वो कर लेता हूँ, शायद उसमें से पत्थर पास हो जाए। और हाँ ये देख भाई साहब, अरे मैंने कहा था ना तुम्हारा भाई चैम्पियन है भाई, तो टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, तुम्हारा भाई तुमको सिखाएगा जेसीबी में कैसे करना, और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तुम भी अपना दिमाग चला सकते हो भाई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जैसे सोच रहा हूँ कि जेसीबी चलाना, तो भाई आगे वाला तो मैं चला ले रहा हूँ, पीछे वाले में दिक्कत आ रही है। एक गेम प्ले मैंने डाला भी था इसका जेसीबी का, जिसमें मैं पिछली बागड़ का यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैक्टर फंस गया था भाई अपना स्वराज, ज़रूर देखना वीडियो वो। और उसमें भाई क्या पावर दिखाई है जेसीबी के एक ही हाथ ने, और ये देखो ये देखो ये जेसीबी की काहे की जेसीबी है भाई, पत्थरों के ऊपर चढ़ गई, वो भी सीधी बागड़ से। किस तरह के नुकीले दांत और किस तरह का मुंह बनाया है इसका, जो पत्थर के ऊपर से चला गया। ये देखो भाई, ये तो पावर है इसकी, ये देखो चल ही नहीं रही आगे,
ऐसे तो ना बात बनेगी भाई, जहाँ तो इसमें पावर ऐड करो या टायर बड़े लगाओ। पहले टायर बड़े थे, अभी छोटे कर दिए, है ना? तो ऐसे तो नहीं बात बनेगी भाई। इस हिसाब से अगर अपडेट देने हैं तो रहने दो यार, ठीक है? और ट्रैक्टरों में भी थोड़ी उनकी साउंड थोड़ी असली लेके आओ यार, सभी ट्रैक्टरों में एक ही साउंड चल रही है। कितना टाइम हो गया गेम को आए हुए, और अपडेट देने हैं तो भाई थोड़े से रियलिस्टिक दो यार, जो करने में भी मज़ा आए। ऐसे क्या फ़ायदा जुगाड़बंदी से हम गेम खेल रहे हैं और दिमाग भी ख़राब होगा। इतनी अच्छी गेम भाई मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन मेरे को इसके अपडेट अच्छे नहीं लगते भाई। ये देखो अभी मैं इसको कैसे खाली करूँगा यहाँ पे, कोई अब मैं क्या ही कहूँ यार, सच में यार। भाई मेरे को इतनी अच्छी लगती थी ना गेमें कि पूछो मत। मैं अभी भी इसको खेल रहा हूँ और भाई अपने काम भी बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है यार। अभी फार्मिंग का मेरे को लग नहीं रहा है इसमें कोई अभी आएगा अपडेट वगैरह। अपडेट भी क्या है यार, फार्मिंग भी इसमें कौन सी रियल होने वाली है ना? फार्मिंग मोड भी ऐसे ही दे दिया इन लोगों ने। ये देखो भाई इतना बड़ा पत्थर मेरे को बताओ, बागड़ में से उड़ के, पहली बात तो इतना पत्थर निकलना ही बहुत टफ बात है, और उड़ के चला गया कैसे, कि क्या लॉजिक है भाई, किस तरह की फिजिक्स है ये, हैं? मेरे को बताओ यार फटाफट से ये क्या हो रहा है। तो यार मैं हो चुका हूँ इससे दुखी, तो फटाफट से मैं वीडियो में कट लगा के फटाफट से ट्रॉली भरता हूँ और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करता हूँ। तो भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी ये चार पांच पत्थर ही आए हैं इस ट्रॉली में, ठीक है? और इन चार पांच पत्थरों से भी आप ट्रैक्टर की आवाज़ चेक करना भाई, पूरी बदल जाएगी। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना लोड पा रहा हुआ इसके पीछे, और पत्थर चार पांच है ट्रॉले के हिसाब से। देखो इतनी इतनी बढ़िया बोरियाँ लेके चलता था, बेशक आगे से उठता था लेकिन चलता तो था, और अभी चार पाँच पत्थर से ऐसे लग रहा है जैसे इसका किसी ने गला घोट दिया हो भाई, है ना? तो क्या ही करें यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। अभी मैं जेसीबी से ट्राई करने वाला हूँ कि कुछ बनता है, नहीं तो क्या ही फ़ायदा यार। आज मैं पहली बार इस गेम से डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा इसको चलाने का, और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि किसी तरीके से, हाँ भाई पत्थर डल गए भाई जुगाड़बाजी से इसमें, तो जुगाड़बाजी में जो पत्थर डले हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा ये ज़्यादा देर इसको खींच पाएगी, क्योंकि ट्रॉली के नीचे एक पत्थर आया, एक पत्थर, तो अपनी गेम वहीं में समाप्त भाई। तो मेरे को काफ़ी सीरियसली खेलनी पड़ेगी कि ट्रॉली के नीचे कोई पत्थर ना आए, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि पत्थर ट्रॉली के नीचे आ चुका है, अगर मैं ट्रैक्टर को आगे खींचूँगा तो ये भाई खिल्लर जाएगी पूरी। चलो फ़िलहाल देखता हूँ, और आई थिंक नहीं होने वाला कुछ ऐसा, निकल जाएगी आराम से। तो भाई ये ट्रॉली यहाँ से निकली या नहीं, जब पलट गई, ये देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड का वेट करें। तब तक के लिए बाय मित्रों।